Hello. Sonigra Enterprises. Good morning. मैं रजनीकांत बोल रही हूँ. एक्टर नहीं, मिसेज रजनीकांत. क्या आप मुझे सर्टिफिकेट्स के बिना जॉब देंगे? हेलो हेलो. काट दिया. अब देखो हमारा मास्टर स्ट्रोक शो को. शोगो, हमारे पास एक काम है जिसके लिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है. हमारे पास एक काम है जिसके लिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है. हमारा क्लासिकल आप फड़ फड़ के बोल रहे हैं. तुम सुन क्यों नहीं रही हो कि हमारे पास एक जॉब है जिसके लिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है. सॉरी, पड़ोसियों की बात सुनना बैड मैनर्स है, इसीलिए मैंने अपने कान बंद कर लिए थे. और मेनू समझ नहीं आया, कोई अपने कान कैसे बंद कर सकता है? मुझे भी तो कोई बताए. मैं बताती हूँ. मुझ में ये फीचर है. मम्मी जी, आप कौन सी जॉब के बारे में बात कर रहे थे? हमारे पास एक बहुत अच्छी जॉब है रजनी. That's very good. ये तो वही बात हो गई. बगल में छुरी, शहर में ढिंडोरा. हाँ मम्मी जी, इसने आपको छुरी बुलाया. मैगी, आग में तेल डालने की कोशिश मत करो प्लीज. मैंने आपको बगल कहा. कौन सी जॉब के बारे में आप बात कर रही थी मम्मी जी? मैगी, हम ये कह रहे थे कि कल पेपर में एक एड देना कि हमें हमारे घर के लिए एक बाइक की जरूरत है. पर मम्मी जी, ऐश्वर्या तो है. मैगी, तुम्हें पता नहीं ऐश्वर्या एक महीने के लिए छुट्टी पे चली गई है. हाँ, हमारे घर में वैकेंसी है. और साथ में लिखना कि इस जॉब के लिए हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है. ओके, समझ गई मम्मी जी. मतलब आप मुझसे सर्टिफिकेट नहीं मांगेंगी? हम तुमसे सर्टिफिकेट क्यों मांगेंगे रोजनी? क्योंकि आपकी मेड की जॉब के लिए मुझे अप्लाई करना है. व्हाट? नो, तुम भाई का जॉब कैसे कर सकती हो रजनी? क्यों मम्मी जी? तुम इस घर की बहू हो रजनी. नो, तुम ये जॉब नहीं कर सकती. कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता. यस दैट्स ट्रू. लेकिन देखो, बाद में ऐसा मत बोलना कि हमारी सास ने जबरदस्ती हमसे ये काम करवाया. ओके मम्मी जी, मैं आपसे काम मांग रही हूँ क्योंकि मुझे जरूरत है. आप मुझे काम देकर अच्छा काम कर रही है. ओके, तो फिर कल आ जाना 9 बजे. याहू, मुझे जॉब मिल गई. यस, शी इज टोटली मैड. नहीं नहीं, मैड नहीं, मेड. एक्सक्यूज मी मम्मी जी. यस, मेरी तनख्वाह कितनी होगी? स्मार्ट तनख्वाह, हम तुम्हें 10,000 देंगे. 10,000? 10,000 पर डे? दिन के 10,000 नहीं, महीने के 10,000. वो भी चलेगा. मैं इंटरव्यू के लिए कितने बजे आऊँ कल? तुम्हें इंटरव्यू की जरूरत नहीं है. हमने तुम्हारा काम तो देख लिया है. तुम कल डायरेक्टली आ जाना, एग्जैक्ट 9 बजे. थैंक यू मम्मी जी.